Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel Coffee and Braids. Hope you all are fine and doing well in your life. So आज की वीडियो जो है वो बहुत मज़े की होने वाली है, क्योंकि मैंने ये कर्ल जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने डाले हैं और ये मुझे बहुत पसंद आए हैं, और ये बगैर किसी हीट के और बगैर किसी कर्लर स्ट्रेटनर के ये कर्ल्स डले हैं, और ये हीटलेस है, ये स्ट्रेटलेसनेस है, ये कर्लरनेस है, और ये तकरीबन सब कुछनेस है. और ये लिटरली ओवरनाइट डले हैं. आप लोग एक छोटा सा कपड़े का पीस लें और फिर उसको अपने कपड़े सर पे इतना रखें और आप लोगों के कर्ल्स डल जाएंगे. अगर आप लोगों को कर्ल्स डलने का शौक है बिल्कुल मेरी तरह और आपके घर में कर्लर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं, और आप अपने बालों को हीट से भी बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल फिट है. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. तो मैंने वीडियोज़ काफ़ी यूट्यूबर्स की देखी थी और काफ़ी ब्लॉगर्स की भी देखी थी कि वो इस तरह दुपट्टे से ओवरनाइट कर्ल्स डालने वाला प्रोसीजर कर देते थे और सुबह उठते थे उनके बहुत फिट कर्ल्स डले होते थे. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ. तो मैंने ये कर्ल्स जो थे ओवरनाइट रखे और अब आप लोग देख सकते हैं सुबह मैंने देखा है तो इसका रिज़ल्ट ये है. मैंने जो वीडियो देखी थी वो खदीजा की थी और उनके मैंने वीडियो से इंस्पायर होकर मैंने अपने लिए भी ये कर्ल्स डालने की कोशिश की और ये बहुत लिटरली बहुत अच्छा रिजल्ट आया इसका. तो चलते हैं रात की तरफ, जब मैंने ये मतलब ये दुपट्टा वगैरह रखकर जब सारा प्रोसीजर वगैरह किया. तो सबसे पहले वो देखते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपने बालों को जो है वो अच्छे तरीके से टू सेक्शंस में डिवाइड कर देना है और मेक श्योर कि आपके बाल अच्छे तरीके से वॉश हों. और मेरे बाल यहाँ पर ड्राई थे तो मैंने उन्हें एक स्प्रे से जो था गीला कर लिया था, इसमें सिर्फ पानी था. अगर आप लोग बेहतर है कि आप लोग जब नहा कर आएँ आप लोग तब यह करें, क्योंकि तब जो है बाल थोड़े से पहले ही गीले होते हैं. और ये जो हेयर स्टाइल है या कोई भी हैक वगैरह है ये आपने हमेशा गीले बालों पर करना है, ये ड्राई बालों पर काम नहीं करता. और अगर नहीं है तो आप लोग मेरी तरह कर लें. मेरे बाल ड्राई थे, उससे मैंने स्प्रे की हेल्प से जो था अच्छे तरीके से अपने बालों को ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वेट कर दिया था और अच्छे तरीके से पीछे से भी वेट कर दिया था. फिर मैंने एक नॉर्मल साइज़ का इस तरह का एक कपड़े का पीस लिया था और मेक श्योर कि ये कॉटन का कपड़ा हो, कोई मतलब शिफॉन या सिल्क टाइप ना हो. उस तरह फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा मतलब स्लिप वगैरह होते हैं और फिर ठीक से इस पर ट्विस्ट नहीं बनते. और मैंने पिन से इसको अपने सर पर जो था अटैच कर लिया था ताकि ये जो है वो मिसप्लेस ना हो. और एक एक स्ट्रैंड पकड़ के आपने इसको इसके इर्द गिर्द जो है वो रोल करना है और हर एक रोल के साथ आप लोगों ने एक न्यू स्ट्रैंड लेनी है. इसी तरह आपने अपने सारे बाल जो है वो कवर अप करने हैं. अगर आप लोगों को डच ब्रेड्स बनाने आती हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी है ये प्रोसीजर, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह का होता है कि आप लोगों ने हर ट्विस्ट के साथ एक स्ट्रैंड लेनी होती है. और ये बिल्कुल आपने नीचे से अच्छे तरीके से अपने बालों को टाइटली जो है वो सारा करना है, वरना ये बहुत ईजीली खुल भी जाते हैं. और बिल्कुल इसके इर्द गिर्द आप लोगों ने ब्रश करके अच्छे तरीके से करना है. अगर बीच में से रफ़ हो जाते हैं तो आपने उसको अच्छे तरीके से ब्रश करना है और अच्छे तरीके से उसके इर्द गिर्द जो है वो रोल कर देना है या फिर अच्छे तरीके से उस कवर को कपड़े को अपने बालों से कवर कर लेना है. अगर आप लोगों के पास इस पीस का कपड़ा नहीं है तो आप लोग बिल्कुल मेरी तरह भी बना सकते हैं. मैंने अपनी एक पुरानी कॉटन की टी शर्ट ली थी और मैंने उसको बिल्कुल एंड से काट लिया था, जो मतलब बाउंड्री या नीचे वाली जगह जो होती है, और वो बिल्कुल गोल टाइप बन गई थी और मैंने उसको फिर बीच से काट लिया था. अगर आप लोगों के बाल ज़्यादा है तो आप लोगों को एक कपड़े का पीस थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, कोई भी स्कार्फ या कोई भी दुपट्टा जो आप लोग यूज़ नहीं करते आप लोग उसको काट कर अच्छे तरीके से बना सकते हैं. और जब ये ट्विस्ट अच्छे तरीके से आपके बालों से कवर हो जाए, मतलब कि आपके बाल इर्द-गिर्द सारे कवर हो जाएँ, तो एक पोनी से उसको टाइटली जो है वो बंद कर देना है ताकि इसका जो ट्विस्ट है वो खुले ना, वरना फिर जब ये खुल जाएगा तो ऑफकोर्स कर्ल्स किस तरह डलेंगे. और मेक श्योर कि आप अपने हेयर स्टाइल को बिल्कुल टाइट करके बनाएं, क्योंकि जब ये लूज़ हो जाएगा फिर वो खुल जाएगा, रात को ही खुल जाएगा और फिर उसे ठीक से कर्ल्स नहीं डलेंगे. अब यही प्रोसेस जो है मैं अपनी सेकंड साइड पर भी अप्लाई करूँगी. तो सबसे पहले हम उसी तरह अपने एज़ यूजुअल हम अपने बालों को गीला करेंगे, अच्छे तरीके से वेट करेंगी और फिर उसके बाद इसी तरह कर लेंगे जो आपने अपनी पहली साइड पर किया.
अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारी दोनों साइड्स हो गई और इग्नोर माँ एक ब्लैक कलर की पोनी और एक रेड कलर की पोनी, क्योंकि मेरे पास दोनों कलर की एक नहीं थी। तो अब इसको हम लोग पीछे की तरह बांध लेंगे। आप लोग का दिल करता है तो आप लोग इसको इसी तरह रहने दें, मुझे ज़रा इस तरह था कि मैं इसको ज़रा कवर कर लूँ, तो मैंने इसका पीछे से बन बना लिया। आप लोग चाहें तो कोई भी पोनी से भी बांध सकते हैं, किसी तरीके से भी बांध सकते हैं। वैसे इस तरह भी बुरा नहीं लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि वो आप लोगों ने डच प्रिंस टाइप को हेयर स्टाइल सा बनाया हुआ है। और मैंने इसको पीछे से क्लिप लगा दिया और अब मैं लगी हूँ सोने, और अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से सुबह, और सुबह मैं खोलूँगी और आप लोगों को इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगी। बाय बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। और अब हो गई है सुबह, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, वैसे तो इस वक्त 2:30 बज रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ये सुबह ही है क्योंकि मैं इसी टाइम उठती हूँ और मैंने ये रात का किया हुआ है। तो अब मैं ये आपके सामने खोलने लगी हूँ, मतलब कि मैंने ओवरनाइट रखा है। सोने से पहले मैंने इसको मतलब जो था ये ड्रेस वगैरह या फिर जो भी करना था ये पिनअप वगैरह वो कर लिया था, और मैंने अब मैं सोकर उठ गई हूँ। तो अब मैं इसको खोल के देखूंगी और मैं सब दुआ करें कि बन गए, ये ना मैं खोलूँ तो मेरी बस्ती हो जाए, कोई कर्जी ना हो। सब जल्दी से खोलते हैं क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैंने जल्दी से अभी तक कोई नाश्ता वगैरह भी किया। मैं जल्दी से यहाँ पर आ गई हूँ खोल ले, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है मेरे ड्रेस पर आकर कोई बन रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है अगर आप इसको इग्नोर कर दे। तो अब जल्दी से ये खोलते हैं क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मेरे पीछे से इसको थोड़ा बंद की तरह आ गया था क्योंकि वो दो इस तरह लटक रहे थे, तो मुझे बहुत उलझन हो रही थी। लेट्स ओपन दिस। ओके, अब हम इसको खोलते हैं, मतलब ऊपर से पोनी उतारते हैं इसकी, बस दुआ करें बन जाए और मेरी बस्ती ना हो जाए आप लोगों के सामने। यार हो जानी चाहिए, इतनी देर रखा है मैंने, मतलब लिटरली बहुत घंटे रखा है मैंने इसे। दूसरी साइड खोलूं फिर मैं आप लोगों को प्रॉपरली दिखाती हूँ। और लिटरली मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हो जाएगी क्योंकि मैंने काफी यूट्यूबर्स और वगैरह ब्लॉगर्स वगैरह का देखा है, उस तरह के कर्ज डालते हैं और लिटरली उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन मैंने प्रॉपर्ली खोले तो मुझे चोखा लगना चाहिए। ब्रश नहीं करूँगी क्योंकि वो इतने पूरे खुल रहे हैं। खैर मैंने प्रॉपर तरीके से ब्रश नहीं करूँगी क्योंकि मुझे डर है कि मैंने कोई हेयर स्प्रे वगैरह नहीं किया हुआ तो ये खुल जाएगी। सो मैं बस इन्हें फिंगर से इस तरह खोलूँगी। और ये आगे से थोड़े से उड़ गए हैं जिनको हम अभी सेट कर लेते हैं। या फिर थोड़े से ब्रश कर लेती हूँ, हल्के से कर लेती हूँ हल्के से। अब मैं आप लोगों को आगे धूप में जाकर दिखाती हूँ, मतलब धूप तो नहीं लेकिन दूसरी लाइट पे जाकर दिखाती हूँ। बात करते हैं इन कर्ल्स के बारे में, मतलब लिटरली देखे कितने फिट कर्ल्स डले हैं मेरे बालों में, वो भी हीटलेस। या तो होता है ना आप कर्लर से डालते हो या आप स्ट्रेटनर से डालते हो, मैं थोड़ा सा पीछे हो जाती हूँ ताकि मैं पूरी नज़र आऊँ, या तो आप कर्लर से डालते हो या आप स्ट्रेटनर से डालते हो। ये ना कर्लर से डले हैं ना ये स्ट्रेटनर से डले हैं, ये फुल हीटलेस है। और लिटरली आप लोग इस पर ब्रश करें ये तब भी नहीं खुल रही क्योंकि ये बहुत टाइट कर्ल्स फिट वाले डले हैं। फिट वाले डले हैं, क्या हो गया मेरे एक्सेंट को। खैर मैं तो बहुत खुश हूँ कि कर्ल्स डले, एंड आई एम श्योरली गोना ट्राई दिस अगेन। मुझे जब भी कर्ल्स डाल लूँगी मैं यही लाइफ है क्या यही तरीका जो है यूज़ करूँगी क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आया है। और मैंने सोचा था कि मैं अपने बालों को हीट से बचाऊँगी क्योंकि वीडियोस बनानी होती है, कहीं जाना होता है तो मैं जल्दी जल्दी अपने बाल स्ट्रेट कर लेती हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल अपने बालों को हल्का सा स्ट्रेट किया लेकिन वो डैमेज कर जाते हैं अक्सर मेरे बालों को, क्योंकि स्ट्रेटर आपके बालों को फुली तरीके से डेड कर देता है। मतलब जब वो आपके बालों को स्ट्रेट करता है तो लिटरली आपके बाल डेड हो जाते हैं। और हम यहाँ पे स्ट्रेटन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इन कर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं। जस्ट लुक एट दीज, ये कितने मतलब बाउंसी हैं। और लिटरली अगर आप इसको ब्रश करें, मैं आप लोग को करके दिखाती हूँ, तब भी नहीं खुल रहे, फिर से हो गए इस तरह थोड़ा।
से कर ले फिर से हो जाएंगे। और लिटरली पूरे पीछे से भी यही डले है, क्योंकि अक्सर होता ही है कि जब आप लोग कर्ल्स करते हो तो आप लोगों से खुद अपने बालों पर कर्ल्स नहीं डलते, मतलब ना पीछे जाया जाता है ना साइड से हो जाते हैं, और आप लोग किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। और ये वाले कर्ल्स तो आप लोग बगैर किसी कर्लर के, बगैर किसी स्ट्रेटर के खुद भी डाल सकते हो। लाइक लिटरली यार लुक एट दीस, कितने मज़े के लग रहे हैं। एज यू गाइस कैन सी कितने फिट कर्ल्स डल गए हैं बगैर किसी कर्लर वगैरह के। और ये वाली मैं लाइन बहुत दफ़ा बोल चुकी हूँ, सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, वैसे मेरे बाल तो इतने थिक नहीं है, लेकिन कर्ल्स डालने के बाद ये बाल कितने, मतलब आप लोग देख सकते हैं कितने फ्लफी लग रहे हैं और कितने मजे के भी लग रहे हैं। और जितनी शाइन भी आ गई है, ये शायद लाइट की वजह से, लेकिन आ गया शाइन आ गया। और ये मतलब देखें यार देखें। सो यस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन गिवन डाउन बिलो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, उसका लिंक यहाँ पे मैं दे दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।